गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो नॉर्थ गोवा में आए, क्योंकि नॉर्थ गोवा में जो है नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पीने वालों के लिए बहुत सही है, आप कहीं भी कैसे भी पी सकते हैं खुलेआम, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप जब चाहे कैसे भी चाहे कहीं भी चाहे पी सकते हैं। आज संडे है तो आज संडे में ज्यादा भीड़ है। हेलो एवरीवन, तो अभी चलते हैं कालंगुट बीच, और कालंगुट बीच पे जो भी कुछ होगा मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको कालंगुट बीच के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं कालंगुट बीच। तो फिलहाल मैं कालंगुट बीच पे आया हूँ और ये सबसे ज्यादा फेमस बीच है और बहुत खूबसूरत है और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं तुम्हें यहाँ का सब कुछ दिखाऊंगा। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोवा का कालंगुट बीच है और जो नॉर्थ गोवा में आता है और ये सबसे बड़ा बीच है। और दूसरा जो बीच है वो है बागा बीच, ये सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर बीच है। अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं घूमने के लिए तो नॉर्थ गोवा आए। नॉर्थ गोवा में बागा बीच या फिर कालंगुट बीच दो ऐसे बीच है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा बिजीस्ट बीच है और यहाँ पे आप आके अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ फॉरनर सबसे ज्यादा है। गोवा का सबसे ज्यादा जो फेमस एरिया है वो नॉर्थ गोवा में कालंगुट और बागा बीच ही है। अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो आप गोवा आ सकते हैं, लेकिन गोवा को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे बीच तो पूरे गोवा में भी हैं, बहुत सारे बीच हैं। अगर आप शांत जगह पे जाना चाहते हैं और जहाँ पे भीड़ कम हो या फिर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऐसी जगह पर अगर जाना चाहते हैं तो आप जाइए साउथ गोवा। और चाहते हैं लाइक भीड़ में जाना या पब वगैरह में घूमना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं नॉर्थ गोवा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में जो है आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन साउथ गोवा में लाइक साउथ गोवा में बहुत कम भीड़ रहती है और नॉर्थ गोवा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कितना प्यारा से इन्होंने बना रखा है बिल्कुल डिजाइन में। अगर आप नहाने के बाद यहाँ पर अगर कुछ रेस्ट करने चाहते हैं या फिर कुछ खरीदना या खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसका ये चार्ज करेंगे। कितना प्यारा लग रहा है ये सब। और ये आपको जो सीट्स दिखाई दे रही हैं ये आपको खाली में बैठने नहीं देंगे जब तक आप यहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे। वैसे 5-10 मिनट तुम बैठ सकते हो लेकिन बिना उसके ये बैठने नहीं देंगे जब तक कि आप यहाँ से कुछ खरीदे नहीं। तो आपको यहाँ से कुछ खरीदना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आपको खाली में बैठने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा यहाँ। और वैसे अभी कोविड की वजह से इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोकल के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। फिलहाल लोकल का मतलब लाइक साउथ से बहुत लोग हैं यहाँ पर और जो फॉरनर हैं वो इतने नहीं हैं। ये बहुत शानदार नज़ारा है। हालांकि सेम यहाँ मैंने तो तमिलनाडु में गया था, वहाँ पे जो है मरीना बीच में भी कुछ इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ पे जो है इसका मेन गेट है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग बहुत ज़्यादा पानी में नहा रहे हैं। ये इधर इसका सामने मेन गेट है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है क्योंकि धूप चली गई है, अभी कुछ बादल से छा गए हैं। देखिए कैसे बादल से छा गए हैं, सूरज चला गया है तो बड़ा प्यारा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा सी आ रही है यहाँ पे। और देखिए पानी की लहरें, देखिए किस तरह से पानी की लहरें आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है मेरे आसपास में, कितने ज़्यादा लोग नहा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसका मेन गेट है यहाँ सामने से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये पीछे इसका मेन गेट है जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। और अगर आप अंदर आके अगर साइड में जाएंगे तो इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये बिल्कुल
गेट के सामने ही है, तो यहाँ लोग बहुत ज्यादा नहा रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। ये यहाँ सेफ्टी के लिए बैठे हैं, कोई अगर आउट ऑफ लिमिट जाता है तो उसको लॉक करने के लिए। ये कितनी सारी बोट्स हैं यहाँ पे, आप इसकी राइडिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। जैसे आपको वो सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिनका अलग अलग आपको पे करना होगा करने के लिए। अगर आप अकेले इंजॉय करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप साउथ गोवा जाएँ। अगर आप भीड़ वाले इलाकों में जो क्राउड से भरा हुए हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो कालंगुट का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी भी नहीं है, अगर पहले का अगर मुकाबला देखा जाए तो इतनी भी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी भीड़ है। आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप साउथ गोवा में जाएँ, वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, आप वहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गोवा की नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं तो नॉर्थ गोवा में आएँ, क्योंकि नॉर्थ गोवा में जो है नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हैं।